आपको लगता है टीवी पे सब सच दिखाया जाता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये दिखाता है पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, FATF की ग्रे लिस्ट में हम शामिल हैं, आपको पता है यानी, और इसके अलावा दिखाया जाता है पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो आप यहाँ पर आज़ादी से फिर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे एक पाकिस्तानी YouTube चैनल पर जिसका नाम है रियल एंटरटेनमेंट TV। इस चैनल के एंकर अपनी आवाम से ये पूछते हुए दिखाई देंगे, क्या वाकई में इंडिया यूनाइटेड है? क्या इंडिया में सभी धर्म भाईचारे और शांति से रहते हैं? इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया में मुसलमान, इंडिया में सिख, हिंदू, ईसाई जितने भी लोग रहते हैं वो सब यूनाइटेड हैं। वहाँ पर ये मजहब के नाम पर लड़ाई फसाद नहीं होता, वो सब इंडियंस हैं और खुद को इंडिया का एक शहरी समझते हैं। आपको लगता है इंडिया यूनाइटेड है? कोई पाबंदी लगा दी। अच्छा, टीवी पे अगर आप यकीन करते हैं, आपको लगता है टीवी पे सब सच दिखाया जाता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये दिखाता है पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, FATF की ग्रे लिस्ट में हम शामिल हैं, आपको पता है यानी, और इसके अलावा दिखाया जाता है पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो आप यहाँ पर आज़ादी से फिर रहे हैं? आज़ादी है इधर, हर किस्म की आज़ादी। फिर दुनिया में अगर दिखाया जा रहा है कि आज़ादी नहीं है तो फिर हम उसकी बात को तो नहीं मानेंगे? नहीं, वो तो गलत बात है। यही बात है कि हमें भी सिर्फ नफरतें बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है, रियलिटी में शायद ऐसा नहीं है। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो फिर मुझे ये बताएं, वहाँ पर चार पाँच दफा मुसलमान सदर रह चुका है, इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका है, यहाँ पर कभी कोई हुआ इस तरीके से? नहीं, फिर ऐसे तो कोई मामला नहीं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ सच भी दिखा रहा? तो ये देन है कि हमने जिस तरह देखा है, ये जो सिख लोग हैं ये तो मुसलमानों के साथ काफी मोहब्बत करते हैं, इधर देख ले ननकाना चले जाएं या इधर कहीं मिल पड़े तो बड़ी चाहत के साथ मिलते हैं। ऐसे हिंदुओं का हमें पता, हमें हिंदुओं से भी मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। वो मुसलमान का मतलब क्या है कि हर इंसानियत, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इंसानियत के नाते किसी को जुल्म ज्यादती जो है ये नहीं होनी चाहिए। मैंने भी देखा आज का वीडियो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या मानसिकता वाले लोग है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों में जुल्म हो रहा है, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये बताइए, जब 1947 में आपका देश को आज़ाद किया गया था, पाकिस्तान अलग बना था, उस टाइम कितने परसेंट हिंदू थे? मैं बताता हूँ, 14% हिंदू थे, सिख कम्युनिटी भी लगभग बहुत सारी थी। आज हिंदुओं की तादाद वहाँ पर है 1% और सिख कम्युनिटी है 0.001%। कहाँ गए भाई वो, जमीन खा गया या आसमान खा गया? क्या हुआ, आसमान में समा गया, जमीन में धस गया अंदर जाके? इसका तो साफ साफ यही मतलब है भैया, तो कन्वर्ट किया गया या फिर मार दिया गया। तो आप लोग हमें बोल रहे हो जहाँ पर मुस्लिम की तादाद बढ़ती जा रही है, मुस्लिम ही नहीं हर कम्युनिटी की तादाद, इवन आप बौद्ध धर्म भी ले लो, फारसी धर्म भी ले लो, वो भी दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है, और आप उस देश को बोल रहे हो कि आप मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं? मतलब कहाँ से लाते हो भाई ये सब चीज़ें? मैं रियलिटी बताऊं आपको, इंडिया के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे वाक्य ज़रूर होते रहते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होते, लेकिन वो दोनों साइड से होते हैं भाई, वो हिंदू साइड से भी होते हैं और मुस्लिम साइड से भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही जुल्म हो रहा है, यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा रही, यहाँ पे मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। भाई हाथ जोड़ के विनती है, अपनी मानसिकता को समझिए, समझाओ, अपने मीडिया को बोलो कि आपको सही चीज़ें दिखाई जाए। क्यों गलत चीज़ें दिखा रहे हो भाई देश के अंदर? हमें पता है कि आप हमारे देश को तोड़ना चाहते हो, हमारी सिख कम्युनिटी को तोड़ना चाहते हो, आप मुस्लिम को यहाँ से तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊँ, बिल्कुल भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमारी सिख कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, वो देश के लिए ही जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे, आपके लिए बिल्कुल आपके पास बिल्कुल नहीं आ सकते वो, क्योंकि हम जानते हैं भाई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को और हमारे सिख कम्युनिटी को और अदर कम्युनिटी को। तो आप शर्म करो अपने आप पर, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे फालतू के बकवास करने से पहले आप पहले चेक कर लो, आप समझ लो, इंडिया में आके देख लो भाई कैसे रहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी।
मुंह उठाया बोल दिया कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, मुसलमानों को मस्जिद गिराई जा रही है। भाई क्या कुछ भी, आपने मंदिर कितने गिरा दिए, कहाँ बचे ही नहीं है भाई, मंदिर ही नहीं बचे पाकिस्तान के अंदर। खुद तो पूजा नहीं करने दोगे किसी को, खुद यहाँ पे वहाँ पे कुछ अपना हिंदू पर हिंदू धर्म वाले को कुछ बनाने नहीं दोगे, उनके फेस्टिवल नहीं बनाने दोगे, और बकवास करोगे कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। चाइना वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए तो तुम्हारी जुबानें बंद हो जाती है, क्योंकि पैसे फेंकते हैं ना चाइना वाले तुम्हारे पास। क्या मतलब, शर्म ही नहीं है यार थोड़ी बहुत भी, थोड़ी शर्म करो, फैक्ट पढ़ो, पहले चेक करो कि क्या वाकई में जो आपकी मीडिया आपको बताती है कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद में बात करा करो भाई। अगर जुल्म होता रहता ना तो कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ती, नीचे जाती, जैसे हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में हुआ है। तो आप जुल्म कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, तो अपना फैक्ट चेक कर लो पहले जाके, बोलने से पहले 10 बार सोचा करो, और अपनी मीडिया को बोलो भाई झूठ ना दिखाए तुम्हें। कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं यार, शर्म करने सीखो पहले, अपने आप के अंदर अपने घर में झांक के देखो कि तुम क्या हो, फिर दूसरे के बारे में बात किया करो। तुम्हारा कहना है कि 25 से 30 करोड़ मुसलमानों पर हम जुल्म कर रहे हैं, शर्म आ रही नहीं आ रही भाई तुम लोगों को? छोटे मोटे वाक्य ज़रूर होते हैं मैं मानता हूँ, और हर कंट्री में होते हैं भाई वो सब चीज़ें। अगर जितनी बड़ी कंट्री होगी और अगर इतने लोग रहेंगे तो वहाँ छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जुल्म हो रहा है भाई। कुछ भी मन में आया वो मुंह उठाया और बोल दिया, बकवास कर दिया, है ना, तोड़ने की कोशिश, इंडिया को तोड़ देंगे। अबे कुछ नहीं तोड़ पाओगे तुम इंडिया को, भूल जाओ। शर्म करो और फैक्ट चेक करो, और अगली बार मुंह खोलो ना तो पहले सोच के समझ के कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद में मुंह खोलो, पहले मत बिना मतलब के मुंह मत खोलो, ठीक है? बस क्योंकि हम समझाने पे आ गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा वो सब चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ प्यार से। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।